हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की। बच्चा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, तो जब यहाँ पर किसी को इंजरी होती है तो समवेयर अराउंड 4 to 5 minutes तक यहाँ पर आपका ब्लीडिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। एंड आपका 5 to 8 or 10 minutes तक आपका क्या होता है, यहाँ पर वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप भी हो जाती है मैजिकली। वो ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, ठीक है। तो ये चोट का लगना और उसके बाद वहां पर ब्लीडिंग होते हुए ब्लीडिंग का स्टॉप होना, ये आखिर कैसे हुआ, आज की क्लास के अंदर हम लोग ये बात कवर कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमारी आज की क्लास का टॉपिक क्या है बच्चा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग 4 steps में कंप्लीट कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास यहां पर ये है कि जो इंजर्ड टिश्यू है वो रिलीज करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो ब्लड प्लेटलेट होंगी वो रिलीज करेंगे यहां पर प्लेटलेट फैक्टर 3। सो बोथ द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 3 ये एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम को, नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा, ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा, नाम होगा उसका प्रोथ्रोम्बिन, जो सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। इसीलिए विटामिन के जरूरी होता है क्लॉटिंग के लिए। तो यहां पर जो थ्रोम्बोकाइनेज है या थ्रोम्बो यहां पर बच्चा आपका प्रोथ्रोम्बिनेज जो है, ये प्रोथ्रोम्बिन को जो इनएक्टिव प्रोटीन है उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइआयन। नाउ दिस एक्टिव थ्रोम्बिन ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में एक और प्रोटीन है, नाम है फाइब्रिनोजन, और ये भी लिवर के अंदर बनता है और ये भी विटामिन के की प्रेजेंस में ही बन रहा होगा। तो नाउ दिस एक्टिव थ्रोम्बिन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइआयन, ये फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाउ बच्चा ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड आपका मिल रहे होंगे ब्लड सेल्स, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आरबीसी, और एक ट्रैप करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप क्या यहां पर बोलते हो, क्लॉट बोलते हो। बच्चा क्लॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लॉट यहां पर 2 types के होते हैं, एक हो गए एम्बोलस क्लॉट और एक हो गए यहां पर थ्रोम्बस क्लॉट। अगर हम यहां पे एम्बोलस क्लॉट की बात करेंगे तो बच्चा ये आपके मूविंग क्लॉट होते हैं। मूविंग क्लॉट का मतलब क्या हुआ, वे क्लॉट जो आपका ब्लड वेसल्स में मूव कर रहे हैं। वहीं पर जो आपके थ्रोम्बस टाइप के जो क्लॉट होते हैं ये आपके इमूवेबल होंगे, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पर ये स्टैटिक होंगे। तो स्टैटिक क्लॉट को बोला गया थ्रोम्बस और मूविंग क्लॉट को बोला गया यहां पर एम्बोलस। तो ये था बच्चा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें 4 steps में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं आपका इंजर्ड टिश्यू, और प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेटलेट, और ये दोनों ही मिलकर आपका प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर आपका थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करते हैं। नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिनेज और आपका थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा, ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोटीन है, सिंथेसाइज लीवर के अंदर हुआ है अंडर द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव थ्रोम्बिन में। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये एक्टिव थ्रोम्बिन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइआयन, फाइब्रिनोजन को एक सॉल्युबल प्रोटीन है, अगेन इसको भी लीवर बना रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, उसको आपका इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम यहां पर आपके थ्रोम्बिन का होता है, राइट। अब ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स जो होंगे बच्चा, ये ब्लड सेल्स के साथ मिलेंगे और बना देंगे क्लॉट, और क्लॉट के बच्चा 2 types हैं, मूविंग एंड स्टैटिक। जो मूविंग क्लॉट होगा बोल दिया उसको हम लोगों ने एम्बोलस क्लॉट, और जो आपका स्टैटिक क्लॉट होगा उसको हम लोगों ने यहां पे बोला बच्चा थ्रोम्बस क्लॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को क्लियर किया। थैंक यू सो मच।